जनपद बलरामपुर नगर के भगवती गंज में श्री श्री 108 श्री रामलीला संकीर्तन समिति द्वारा रामलीला का 79वां वार्षिकोत्सव मंचन किया गया। वट वृक्ष के नीचे बैठी माता सीता को राम का संदेश देते हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। श्री राम सुग्रीव मित्रता व लंका दहन की लीला देखी दर्शकों ने। जनपद बलरामपुर के 79वां वार्षिकोत्सव श्री श्री 108 श्री रामलीला संकीर्तन समेत भगवती गंज नगर में चल रहे रामलीला मंचन के छठवें दिन को श्री राम सुग्रीव की मित्रता और लंका दहन का मंचन किया गया। सीता हरण के बाद श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजते हुए पर्वत पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से उनका परिचय होता है। उसके बाद हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव से मिलवाते हैं। श्री राम उन्हें आने का मंतव्य बताते हैं, फिर उनसे ऋषिमुख पर्वत पर रहने का कारण पूछते हैं। सुग्रीव बताते हैं, मेरा भाई बाली मेरे पत्नी को हरण कर मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। तब प्रभु श्री राम सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए बोलते हैं। युद्ध के दौरान श्री राम बाली का वध कर देते हैं। उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद सीता माता की खोज में हनुमान जी 100 योजन समुद्र लंकापुरी पहुंचते हैं। हनुमान ने सीता को दिया श्री राम का संदेश। वट वृक्ष के नीचे बैठी माता सीता को राम का संदेश देते हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। उसके बाद वहां पहुंचे राक्षसों को जब हनुमान जी मार देते हैं, तब रावण अक्षय कुमार को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। हनुमान जी से युद्ध में अक्षय कुमार मारा जाता है। तब हनुमान जी को पकड़ने के लिए मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ उनको नागपाश में बांध कर रावण के दरबार में ले जाते हैं। पूंछ में आग लगाने के बाद हनुमान जी रावण की सोने की लंका जला देते हैं। इसके बाद वो श्री राम के पास पहुंचकर सीता जी के मिलने की खबर सुनाते हैं, जिसमें विजय कुमार अग्रवाल, दुली चंद गोयल, सुनील कुमार गुप्ता, राजेश केसरवानी, राजकुमार अग्रवाल, राकेश चंद केसरवानी, पवन कुमार शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, महेश कुमार अग्रवाल, नरेंद्र कुमार शर्मा, रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी गौसेवक, युवा समाजसेवी बलरामपुर, भानु साहू, अशोक कुमार गुप्ता, शैलेंद्र शर्मा, बबलू महेश गुप्ता, लकी जवाहरलाल, सतीश कुमार, जय सवाल, गंगा सागर, सौरभ तुलसी, यान, प्रमोद कुमार, ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार।